बेटा तुम कौन सी जाति के हो? आंटी दलित। क्या दलित? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुमने मेरा पूरा घर गंदा कर दिया। मुझे पूरा घर ना गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। अब बैठी बैठी क्या देख रही है? चल खड़ी हो, निकल यहाँ से और दोबारा इस घर में आना चाहिए। चल खड़ी हो। जाति के लोग हैं और हम नीची जाति के। बेटा बेइज्जती करके तुझे घर से निकाल देंगे। नहीं माँ, मेरी सहेली बहुत अच्छा है, वो मेरे से प्यार कर रहा है, मैं तो जाऊं। अरे गोरी तू आ जा बैठो। देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई नीच जात की हो। मुझे ना इसे गार्गी से लड्डू लेने से रोकना होगा। गार्गी बेटा। जी मम्मा। बेटा मेरे लिए आज का न्यूज़पेपर लाना अंदर से। मम्मा भी लेके आई। बेटा तुम कौन सी जाति के हो? आंटी दलित। क्या दलित? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुमने मेरा पूरा घर गंदा कर दिया। मुझे पूरा घर ना गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। अब बैठी बैठी क्या देख रही है? चल खड़ी हो, निकल यहाँ से और दोबारा इस घर में आना चाहिए। चल खड़ी हो। बेटा गौरी की ना मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी इसलिए वो घर जल्दी चली गई। गौरी, गौरी। आंटी जी गौरी का। बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों आंटी? बेटा हम दलित जाति के लोग हैं, तुम ऊंची जाति के लोग हो। आंटी दलित क्या होता है? हम तुम्हारे घर का कचरा और गंदगी साफ करते हैं इसलिए हमें दलित कहा जाओ। आंटी तुम तो मानो, हम कचरा फैलाते हैं, तुम साफ करती हो। आंटी तुम इतना अच्छा काम करती हो, फिर भी लोग तुमसे चिढ़ते क्यों हैं? बेटा समाज में लोग सोच इतनी गंदी हो रही, फिर चाहे हम कितना ही अच्छा काम कर लो फिर भी हमारे से घृणा ही करें। आंटी तुम चलो मेरे साथ। नहीं बेटा कहाँ लेके जाओ तुम मुझे? आंटी चलो मेरे साथ। गार्गी तुम्हें बता दिया तुम किसका हाथ पकड़ रहे हो? इसके हाथ पकड़ने से भी तुम्हारे हाथ गंदे हो गए। गार्गी बेटा मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरे से झूठ बोला। मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, मैंने जात पात का भेदभाव दिखाया और मैंने तेरे लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था समाज में सब एक जैसे इंसान है। माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं मैडम जी।